हेलो एंड वेलकम, दिस इज गौतम एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल गौतम लाइव। ज्ञान जाम सिक्योरिटी और सेफ्टी से जुड़ी हर एक नॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। तो आज के शुरू में हम बात करने वाले हैं वॉकी और टॉकी के बारे में, जिसको आप शॉर्ट में RT और इसको फुल फॉर्म है रेडियो ट्रांसमीटर, मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू हम एक दूसरे से बात करते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ, ये वीडियो है डिमांडेबल, इसको डिमांड किया है मिस्टर अनगढ़ लाल गुप्ता जी ने, तो थैंक यू अनगढ़ गुप्ता जी इतने बढ़िया वीडियो डिमांड करने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें देखिए फ्रेंड, दो शब्द है वॉकी और टॉकी। तो वॉकी में वॉक है, टॉकी में टॉक है, मतलब आप चलते चलते इस डिवाइस के थ्रू बातचीत कर सकते हैं। हम दो चीज़ सीखने वाले हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके पार्ट के नाम और उनके काम, और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप प्रोफेशनली RT पर कैसे बात करें। मैं आपको वो टर्म जो इंग्लिश में बोलना चाहिए वो भी सिखाऊंगा, और प्लस आपको कुछ डू एंड डोंट्स भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो है आपका इसमें है एंटीना का। अब एंटीना का काम क्या है, तो जो आपके सेट टॉप बॉक्स में एंटीना काम है वही इसका भी काम है। क्या करता है, सिग्नल को सेंड करता है और फिर रिसीव करता है, जिससे आप सामने वाले से कम्युनिकेट कर पाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ एंटीना के बारे में ये है कि एंटीना जितना ज़्यादा पावरफुल होगा उतना ज़्यादा वाइड रेंज तक आप बातचीत कर पाएंगे। तो जितना आप एंटीना का पावर बढ़ाएंगे उतना आपका रेंज कवर होते जाएगा। रेंज से मतलब है डिस्टेंस, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर ऐसा। तो जितना एंटीना पावरफुल होगा उतना आपका रेंज बढ़ता जाएगा। दूसरा है ये चैनल। अब इस चैनल में देखेंगे तो 8, 16, 22 ऐसे चैनल्स होते हैं फ्रेंड्स। तो इतने सारे चैनल्स का क्या काम है फ्रेंड्स, तो उसको पहले जान लेते हैं। तो एक प्रीमाइसिस में देखेंगे तो बहुत सारी टीम होती है। एक टीम मान लीजिए है मैकेनिकल टीम, दूसरी है इलेक्ट्रिकल टीम, तीसरी है प्लम्बिंग टीम, उसके बाद टीम है सिक्योरिटी, और उसके बाद है हाउसकीपिंग। अब देखिए, किसी प्रोजेक्ट में जब काम होता है तो क्या होता है कि अब मैकेनिकल टीम को क्या करेंगे, यहां पर एक चैनल असाइन कर देंगे। तो हम मानते हैं वो चैनल है 1, इलेक्ट्रिक को 2, प्लम्बिंग को 3, और सिक्योरिटी को 4, और ये हाउसकीपिंग को 5। ठीक है, अब मैकेनिकल वाले जितने भी टीम के मेंबर होंगे सबकी फ्रीक्वेंसी 1 पर सेट होगी। तो मैकेनिकल वाले को जब भी आपस में बात करना है तो वो फ्रीक्वेंसी 1 का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि बाकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अदर टीम को असाइन की गई है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल टीम को जब बात करनी है तो फ्रीक्वेंसी 2 सेट करना पड़ेगा सारे लोग को। ठीक है, या फिर मान लीजिए मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक से बात करनी है तो मैकेनिकल का करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक वाले 2 फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ेगी, तभी जाके वो उससे बात कर पाएंगे। तो देखते हैं, इन सबका एक बॉस होता है सिक्योरिटी हेड, जो सारे प्रोजेक्ट को क्या करता है, मैनेज करता है। तो सिक्योरिटी हेड के पास एक RT होगी। अगर मान लीजिए उसको मैकेनिकल टीम से बात करनी है तो 1 पे सेट करेगा, इलेक्ट्रिकल टीम से बात करनी है तो 2 पे सेट करेगा, प्लम्बिंग से तो 3, सिक्योरिटी से तो 4, और उसके बाद और हाउसकीपिंग से बात करनी है तो वो 5। तो जितनी फ्रीक्वेंसी चाहे उतना सेट कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके यहाँ पर कितनी टीम है उसके हिसाब से आप फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो इम्पॉर्टेंट काम है इस चैनल का वो है इस RT सेट को ऑन और ऑफ करना। ठीक है, तो जब भी आप इसको घड़ी की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो फ्रेंड्स ये क्या होगा, इस तरह से इसको आप घुमाएंगे तो ये घड़ी की साइड है तो ये ऑन हो जाता है, और इसको आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे इस चैनल को तो क्या होगा, ये बंद हो जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है स्पीकर, जहां से आप आवाज़ सुनते, स्पीकर का वही है कि आपकी वॉइस को क्लियरली सुनाए। ठीक है, इसमें फ्लैश लाइट भी बहुत सारी RTs में होती है जो आपको अंधेरे में देखने में मदद करती है। मान लीजिए आपके मोबाइल की टॉर्च वगैरह ख़राब हो गई है तो आप ये RT की फ्लैश लाइट से भी उसको चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें होता है प्रेस टू टॉक बटन, मतलब जब भी आपको बात करना है ये बटन दबा कर रखना है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कैसे इससे बात होती है, तो फिलहाल के लिए अभी इसको बोलते हैं प्रेस टू टॉक बटन, मतलब आप उसको दबाएंगे और फिर बोलेंगे तब सामने वालों को मैसेज जाएगा। अगर आप सिर्फ ऐसे बोलेंगे तो आपको ही आपकी वो सुनाई देगी,
और किसी को आपकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ में बैटरी, बैटरी मतलब हमारे जैसे खाना है वैसे इसकी बैटरी है, बैटरी से उसको पावर मिलती है और सारे फंक्शन इसके चल पाते हैं। अब इम्पॉर्टेंट इसमें आपने देखा होगा यहाँ पर, अब ये अलग अलग आरटी में किसी में रेड होती है, किसी में ऑरेंज होती है, किसी में येलो होती है। एक बटन यहाँ पर फ्रेंड्स मिल देखा होगा आपने, जस्ट प्रेस टू टॉक के ऊपर ही। तो इस बटन का क्या काम है फ्रेंड्स? इस बटन का काम है इमरजेंसी अलर्ट देना। जैसे मान लीजिए आपको किसी चोर ने पीछे से पकड़ लिया है, आपके पास आरटी है और आप बोल नहीं पा रहे हैं, मदद नहीं बुला पा रहे हैं, तो आरटी में इस बटन को आप 3 सेकंड दबा के रखिए, आपकी आरटी सायरन का काम करेगी। ये जोर जोर से सायरन की आवाज़ निकालने लगी जिससे आपके अदर टीम मेंबर को मालूम पड़ जाएगा कि भाई हमारा कोई मेंबर जो है वो डेंजर में है, ठीक है। और जो आरटी उसमें डिस्प्ले वगैरह होता है वहाँ पर वो दिखाता भी है कि ये आरटी से कॉल आया है, इस आरटी को मदद चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर प्लेन आरटी का से ड्रॉ किया है। कुछ जैसे पुलिस वगैरह पास जो होते हैं वो एडवांस वॉकी टॉकी होती है, उन पर डिस्प्ले होता है, तो उस वॉकी टॉकी का नंबर भी आएगा अगर यहाँ इमरजेंसी बटन को दबाया गया है तो। तो ये इमरजेंसी बटन का आपने शायद अभी तक यूज़ नहीं जाना होगा, ठीक है। तो जब आज भी ट्राई कर सकते हैं, उसको दबा करके 3 सेकंड तक देखिए वो सायरन की तरह बजने लगेगा। तो ये इमरजेंसी है, जब कभी कोई हेल्प चाहिए होती है अपने टीम मेंबर से तो आप यहाँ पर उसको दबा कर रख सकते हैं, जो सायरन का काम करता है, ठीक है। अब इसमें बात कैसे करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स कुछ वर्ड्स हैं, मैं चाहूँगा कि आप लिख लें अगर आप प्रोफेशनली बात करना चाहते हैं तो, ठीक है। नॉर्मली तो देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहला है शब्द आपको देखना है कॉलिंग, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। फिर ऑनलाइन, फिर मैसेज, कॉपीड, ओवर एंड आउट। अब देखिए मान लीजिए मैं किसी कंपनी का सिक्योरिटी हेड हूँ, मुझे सुपरवाइजर से बात करनी है, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं मान लीजिए एसओ हूँ, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ, तो मैं बोलूँगा एसओ कॉलिंग सिक्योरिटी सुपरवाइजर कम ऑनलाइन। क्या बोलूँगा, कम ऑन लाइन, एसओ कॉलिंग सिक्योरिटी सुपरवाइजर कम ऑन लाइन। ये आपको जब भी किसी को बुलाना है तो पहले यहाँ पर देखिए मैं अपनी आइडेंटिटी दे रहा हूँ, मतलब मैं कौन बोल रहा हूँ, फिर जिसको बुलाना है उसका नाम ले रहा हूँ और उसको बोल रहा हूँ कम ऑनलाइन, मतलब लाइन पे आ जाइए, मुझे आपसे बात करनी है। एसओ कॉलिंग सिक्योरिटी सुपरवाइजर कम ऑन लाइन। तो आपको ये किसी से अगर बात करनी, किसी को कॉल करना है तो ये लाइन आपको इस्तेमाल करनी है, ठीक है। अब सुपरवाइजर क्या बोलेगा, सुपरवाइजर बोलेगा ऑनलाइन सर, ठीक है, यहाँ ऑनलाइन लिखा है आप सर इसमें ऐड कर दीजिएगा। अगर आपके नीचे का कोई सबोर्डिनेट्स वगैरह है तो सीधा आप बोल सकते हैं यस ऑनलाइन प्लीज प्रोसीड, ठीक है, या फिर गो अहेड, ये भी शब्द इस्तेमाल होता है, गो अहेड, ठीक है। अब आपका जो जो जूनियर रहेगा तो उसका बोलेंगे, उसका मैसेज मिल गया आपको ऑनलाइन बुला रहे तो बोलेंगे प्लीज गो अहेड, ओके, या फिर प्लीज प्रोसीड। तो अब उसको जो मैसेज देना है, मान लीजिए मेन गेट्स पर कुछ इंसिडेंट इशू वगैरह हो गया है तो आपको मैसेज दे दिया, तो आपको मैसेज क्लियरली सुनाई दिया तो आप क्या बोलेंगे, मैसेज कॉपीड, मतलब आपने जो मैसेज मुझे दिया है वो मुझे मिल गया है। अब जब भी बातचीत आपकी ख़त्म हो जाएगी तो आप क्या कहेंगे, ओवर एंड आउट, मतलब आपकी बातचीत ख़त्म हो गई है। तो सब अगर किसी को बुलाना है तो बोलेंगे अपना आइडेंटिटी देते हुए, जैसे आप यहाँ पर हाउसकीपिंग सुपरवाइजर हैं, ठीक है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपका जैसे हाउसकीपिंग का अलग फ्रीक्वेंसी रहेगा तो वहाँ वो उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाउसकीपिंग सुपरवाइजर, सुपरवाइजर कॉलिंग वो फैसिलिटी मैनेजर जो भी है वो कम ऑनलाइन, ठीक है, फिर वो सामने वाले बोलेगा ऑनलाइन, फिर अगर जूनियर क्या बोलेंगे, जैसे मेरा कोई जूनियर है मुझे कॉल कर रहा है तो बोलूँगा वो मैं आरटी पे प्रेस करूँगा बड़े प्रेस टू टॉक बटन और बोलूँगा प्लीज़ गो अहेड, ठीक है। फिर जैसे मैंने मैसेज सुन लिया तो बोलूँगा मैसेज कॉपीड, ठीक है, अगर मुझे कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया तो बोलूँगा ओवर एंड आउट, मतलब कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो ये जो प्रोफेशनल टर्म्स बोलते हैं इसको जो हमेशा आप इस्तेमाल करेंगे, इसको अगर आप लिख लेंगे तो प्रोफेशनल टर्म्स है,
इसको आप लिख लीजिए और उसको याद करिए अगर आरटी पे बात करना चाहते हैं। अब कुछ डू एंड डोंट्स फ्रेंड्स जो नहीं करना है आपको आरटी पे। फ्रेंड्स दो में जो डू एंड डोंट्स आपको बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको नहीं करने चाहिए। सबसे पहली जो चीज है, आपको पर्सनल टॉक वगैरह वहां पर नहीं करना है। पर्सनल टॉक वगैरह मत कीजिए, ठीक है, और बहुत लॉन्ग कन्वर्सेशन भी मत कीजिए। कोई लॉन्ग मैसेज वगैरह रहेगा तो उसको आप बेहतर है कि आप फ़ोन पर बात करें, आरटी पर बात नहीं करें। अब इसकी वजह यह है कि मान लीजिए आप लॉन्ग कन्वर्सेशन वगैरह करते हैं तो अब किसी और को मैसेज देना है तो उस समय क्या होगा, सबको सुनना ही पड़ेगा आपका मैसेज। उसके बाद ही जब एक व्यक्ति अगर बोल रहा है उस फ्रिक्वेंसी पर तो दूसरा व्यक्ति उस पर नहीं बोल सकता है, मैसेज जाएगा ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो इससे ही बोलते हैं कि लॉन्ग मैसेज वगैरह आप मत कीजिए, शॉर्ट में अपनी बातचीत निपटाइए ताकि आप जल्दी से फ्रीक्वेंसी को फ्री कर सके, अगर कोई अदर व्यक्ति क्यू में है तो वो बात कर सके। तो फ्रेंड्स ये दो चीज़ें आपको नहीं करनी है, आपको पर्सनल टॉक वगैरह बिल्कुल उस पर नहीं और लॉन्ग मैसेजेस वगैरह बिल्कुल नहीं करना है। आपको जल्दी से अपनी बात खत्म करके फ्रीक्वेंसी को फ्री रखना है ताकि दूसरा व्यक्ति उसको इस्तेमाल कर सके। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें। मिलते हैं तब तक के लिए, जय हिंद।